जज्बात है, लेकिन आज उनको एक डेवलपमेंट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, इलाके तौर पर एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो उनको काम करके देख सकता ना। वो ऐसे नाहल लोगों को वो नहीं लाना चाहेंगे। उनको पता है जिसने हमें ऐसे एमएलए मिनिस्टर काम किए हैं, हमें वही इंसान चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है आज एक फिर एक बार और एक बार लोग मुझे मेरी हक में फैसले। पीडीपी के बढ़ रहा है तो किस तरह से देख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आपका पीडीपी से मुखालिफ मुखालिफत है आपके खानदान से एक और फर्क? देखिए, ये कश्मीर में यही हो रहा है जो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की सियासत है। घरों को जोड़ तोड़ की लड़ाई है, ये सिलसिला चलता रहे। पिछली बार लोकसभा में आपकी बहुत ज्यादा भीड़ है, फिर आप ये भीड़ वोट पे कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो एक जज्बाती और ये डेवलपमेंटल एजेंडा है। इसमें कोई आपको 370 नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई 5 अगस्त वापस नहीं आएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सबके सामने बोलूंगा, लोगों को पता है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है अपनी कॉन्शियस में जो प्योरली उनकी डेवलप को देखेगा। इसमें क्या मसाइल ज्यादा है? ज्यादा एजुकेशन का फुकदान है यहाँ पर। यहाँ हेल्थ सेक्टर है बहुत डिटरेशन कंडीशन में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर क्वेरीज को, माइनिंग को जो महबूबा मुफ्ती ने बैन किया उमर अब्दुल्ला के साथ, इन्होंने साजगाट करके वहाँ के लाखों लोगों को कश्मीर में, पंथा चौक में नहीं पूरे कश्मीर में, उन्होंने इनको बेरोजगारी जो मुसीबत आजकल उठा रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, उनके उनसे हाथ से निवाला रोजी का छीन लिया। वो माइनिंग बंद कर उस पर लड़ाई कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये पैसे से खरीदे हुए लोग नहीं है, ये दिल से जोड़ रहे हैं।